फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है कि काफ़ी भाई ऐसे हैं जिन्होंने बजरी तोतों को बहुत टाइम हो गया है रखे हुए, लेकिन उनके जो ऑस्ट्रेलियन पैरट्स है वो क्रॉस नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके यहाँ पर ब्रीड नहीं हो पा रही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो रीज़न्स बताऊंगा जिनकी वजह से जो ऑस्ट्रेलियन पैरट यानी बजरी तोते हैं वो क्रॉस नहीं करते हैं, और फिर उसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। जब आप उन मैं जो टिप्स बताऊंगा उनको आप फॉलो करेंगे तो आपके जो ऑस्ट्रेलियन पैरट्स हैं जो क्रॉस नहीं कर रहे हैं वो क्रॉस करना डेफिनेटली स्टार्ट कर देंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और जो भाई चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, बजरी तोते हमने काफ़ी टाइम से रख रखे हैं और वो फीड एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, रहते हैं काफ़ी टाइम से, दाना पानी भी उनको अच्छा मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला रीज़न जो होता है, मेन रीज़न वो ये होता है कि दोस्तों हम लोग स्टार्टिंग में गलती कर देते हैं कि हम लोग जो है मेल को फीमेल से छोटी एज का लगाकर उनकी पेयरिंग करा देते हैं। देखिए, हमेशा इस बात का ख्याल रखा करें कि मेल आपका बड़ी एज का होना चाहिए फीमेल से। जब देखिए मेल बड़ी एज का होता है तो उसको एक्सपीरियंस होता है कि फीमेल को किस तरह से ब्रीड पर लेकर आना है। आपने देखा होगा कि फीमेल अगर रेडी भी नहीं होती है तो मेल पीछे पड़ पड़ कर, जो एग्रेसिव मेल होता है वो फीमेल के पीछे पड़ जाता है और उसको ब्रीड की तरफ लेकर जाता है, मटकी की तरफ लेकर जाता है और मैटिंग के लिए तैयार करता है। लेकिन अगर आपने छोटी एज का मेल लगा लिया, उसको जो है ब्रीड पहले नहीं की है उसने, तो उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो दोस्तों फीमेल को जो है अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से फीमेल उसको लिफ्ट नहीं देती है और उसको मैटिंग करने नहीं देती है। तो ख्याल रखा करें, हमेशा आप बड़ी एज का मेल रखें फीमेल से ज़्यादा एज का। आप जब भी मेल ख़रीदा करें तो आप बिल्कुल आंख बंद करके एडल्ट मेल लिया करें, कभी भी सेमी एडल्ट या पट्ठा ना लिया करें। देखिए, आपका मेल अगर फुली एडल्ट होगा और वो पहले ब्रीड कर चुका होगा तो देखिए उसको एक्सपीरियंस होता है कि फीमेल को किस तरह से ब्रीड के लिए रेडी करना है, मटकी की तरफ कैसे लेकर जाना है और किस तरह से उसको क्रॉस करने के लिए तैयार करना है। तो ख्याल रखा करें कि मेल जब भी छोटी एज का लेंगे उसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, ना तो वो अगर फीमेल रेडी भी हो जाती है तो वो कोशिश करता है क्रॉस करने की, लेकिन वो बार बार गिर जाता है, जिसकी वजह से फीमेल फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो ब्रीड का इरादा छोड़ देती है और वो मेल को क्रॉस नहीं करने देती है। तो इस बात का ख्याल रखें, ये बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आपके यहाँ पर मेल फीमेल जो है क्रॉसिंग नहीं कर रहे हैं। उसका मेन रीज़न होता है कि आपका जो मेल है वो फीमेल से छोटी एज का है और वो पहले कभी उसने ब्रीड नहीं की है, जिसकी वजह से आपके यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा रीज़न जो होता है कि आपके बर्ड्स क्रॉस नहीं कर रहे हैं, आपके यहाँ पर मैटिंग नहीं हो रही है, उसकी वजह होती है, देखिए मोस्टली आपने देखा होगा कि मेल तैयार रहता है मैटिंग करने के लिए लेकिन फीमेल रेडी नहीं होती है। फीमेल रेडी कब होती है? देखिए, फीमेल मैटिंग करने के लिए तब तैयार होगी जब वो ब्रीडिंग के मूड पर होगी। तो ब्रीडिंग के मूड पर फीमेल कब आती है? जब तक फीमेल मटकी को सिलेक्ट नहीं करेगी, वो देखती है कि मुझे जो अंडे देने हैं मेरे बच्चे वगैरह कहाँ सेफ रहेंगे, जब वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाती है तभी वो मेल को क्रॉस करने देती है। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आप पहले मटकियाँ लगाएं, जब आप मटकियाँ लगाएंगे तभी आपके यहाँ पर मेल फीमेल क्रॉस करेंगे। और मटकियों को जब आप लगाएं तो जितने भी आपके पास पेयर हैं उनसे एक्स्ट्रा मटकियां लगाएं, ऊंचाई पर मटकियों को लगाएं, मजबूती से बांधें मटकियों को, क्योंकि फीमेल जब मटकी को सिलेक्ट कर लेगी तभी वो मेल को क्रॉस करने देगी। तो इस बात का ख्याल रखें कि अच्छे साइज़ की मटकियां लगाएं, मजबूती से मटकियों को बांधें और ऊँचाई पर लगाएं, तो फीमेल जब मटकियों को सिलेक्ट करेगी तो वो मेल को क्रॉस करने देगी। और दोस्तों, तीसरा रीज़न होता है प्राइवेसी का ना मिलना। देखिए, अगर आपके बर्ड्स को आप प्रॉपर तरीके से प्राइवेसी नहीं दे रहे हैं तो आपके मेल फीमेल क्रॉस नहीं करेंगे और आपके यहाँ पर ब्रीड नहीं होगी।
बहुत से भाई ये गलतियां करते हैं कि वो केज की जगह को फिक्स नहीं करते हैं और केज को बार बार चेंज करते रहते हैं, केज की जगह को लोकेशन चेंज करते रहते हैं। तो जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि जब आप स्टार्टिंग में नए बर्ड्स लेकर आते हैं तो वो कुछ टाइम तक कैसे सुस्त बैठे रहते हैं, वो दाना पानी भी नहीं खाते हैं और उदास बैठे रहते हैं। उसका रीज़न होता है कि वो नई जगह पर आकर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो इसीलिए उदास होते हैं। तो आप अगर केज की जगह को चेंज करेंगे तो बार बार बर्ड्स को नई जगह महसूस होगी तो वो डिस्टर्ब होते रहेंगे और वो ब्रीडिंग के मूड पर नहीं आएंगे और आपके यहाँ पर बर्ड्स क्रॉस नहीं करेंगे। तो ख्याल रखें, बर्ड्स की केज की जगह को बिल्कुल भी चेंज ना करें। और दोस्तों, प्राइवेसी अगर आपके बर्ड्स को आप देंगे तभी आपके बर्ड्स जो है क्रॉस करना स्टार्ट करेंगे और तभी आपके यहाँ पर ब्रीड होगी। तो अगर आप अच्छे से प्राइवेसी नहीं दे पा रहे हैं तो दोस्तों अब अच्छा मौका है, ये सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो आप एक काम करें, आप जो है अपने केजेस को तीन साइड से कपड़े से कवर करदा करें और फ्रंट साइड जो है उसका खुला रखें। जब आप कपड़े से कवर कर देंगे केज को तो बर्ड्स को आसपास का माहौल नज़र नहीं आएगा और उनको प्राइवेसी अच्छे से मिल जाएगी। तो उसके बाद आपके जो हैं बर्ड्स क्रॉस करना स्टार्ट कर देंगे और आपके यहाँ पर भी ब्रीड होगी। और देखिए, एक और रीज़न होता है जिसकी वजह से जो है आपके बर्ड्स मैटिंग नहीं करते हैं। देखिए, अगर आपके यहाँ पर दाने पानी की कोई कमी है जिस तो उसकी वजह से भी बर्ड्स जो हैं मैटिंग वगैरह नहीं करते हैं। देखिए, आप इस बात का ख्याल रखा करें, बहुत से भाई ऐसे होते हैं कि उनकी बिजी लाइफ होती है तो वो प्रॉपर तरीके से रेगुलर जो है बर्ड्स को दाना पानी नहीं देते, जिसकी वजह से कभी कभी उनके दाना पानी के पॉट खाली रहते हैं। तो मेल फीमेल को लगता है कि यहाँ पर दाना पानी की कमी है और उनके बच्चे भी यहाँ अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से फीमेल और मेल कभी कभी मैटिंग नहीं करते हैं और वो ब्रीड नहीं करते हैं। तो आप ख्याल रखा करें इस बात का कि दाने पानी की पॉट हमेशा आपके भरे रहने चाहिए। बर्ड्स को आप अच्छे से अच्छी डाइट खिलाएं, भीगे हुए गेहूं खिलाएं, सूरजमुखी के बीज खिलाएं और कंगनी बाजरा और डेली सॉफ्ट फूड चेंज करके दें। तो अगर आप अच्छी डाइट देंगे, प्राइवेसी देंगे, मेल फीमेल कंफर्म करके लगाएंगे, मेल बड़ी एज का रखेंगे, मटकियां अच्छे साइज़ की लगाएंगे, ऊंचाई पर मटकियां लगाएंगे, तो बिल्कुल आपके बर्ड्स भी क्रॉस करना स्टार्ट कर देंगे और आपके यहाँ पर भी ब्रीड हो जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से जो है ये बजरी तोते जो हैं क्रॉस नहीं करते हैं और हमारे यहाँ पर ब्रीड नहीं हो पाती है। तो ख्याल रखा करें बर्ड्स को, इन सब बातों जो आपके यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इनको चेंज करें और अपने बर्ड्स को प्राइवेसी दें, डाइट अच्छी दें, तो बिल्कुल आपके बर्ड्स जो हैं क्रॉस करना स्टार्ट करेंगे और आपके यहाँ पर भी ब्रीड होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगती है तो कर लीजिएगा लाइक। इजाज़त दीजिए, ओके, गुड बाय।